हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डीएसएन टेक्निकल में एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए ट्रिप शुरू करते हैं, निकलेंगे इंद्रपुरी। इंद्रपुरी बराज दिखाएंगे हम लोग। डिहरी आ चुके हैं, वो भी मोहन सिंह की स्टैचू है, चौराहा बोल सकते हैं। वीर कुंवर सिंह चौक। जामा मस्जिद डिहरी और बिहार सैन्य पुलिस वर्दी क्षेत्र में आपको एंट्री मना है। तो कमरानगंज महिंद्रागंज महिंद्रा वकील का इंद्रपुरी बराज है, सहायक थाना है। यहीं से आपको इंद्रपुरी के तरफ जाया जाता है, बगल से रास्ता है। ये होना है पटनवा खुर्द। जी हाँ दोस्तों, पटना का भाई पटनवा खुर्द। आगे में डिहरी ऑन सोन है, जो 99 पाया का ब्रिज है रेलवे, और ये इसका नाम है जवाहर सेतु, महात्मा गांधी सेतु। आप पटना में देखे हैं, ये एशिया का सबसे लंबा रेल पुल था, और महात्मा गांधी जो है वो सड़क है, बस उसके लिए है, ट्रेन के लिए नहीं है। हाजीपुर से पटना में सिर्फ बस के लिए है जो सबसे लंबा पुल था। ये हम लोग आ गए हैं इंद्रपुरी बराज। मतलब यहाँ से नियंत्रण किया जाता है, पानी को रोका जाता है। यहाँ पर पानी स्टॉक है, लेकिन पानी बहुत कम है, जितना रहना चाहिए। आपको पानी की आवाज़ ज़्यादा होगा, ये पानी सब स्टॉक है, वो ढालू से नीचे गिरा है। यहाँ पर मट्टी स्टॉक हो जाती है, बह के आती है, और बाढ़ में कभी कभी बाहर की जो मट्टी बह के आती है उससे उपज भी ज़्यादा होता है, इसलिए कि मिट्टी चेंज हो जाती है। आपको मालूम होगा कि धान का बीज बहुत से लोग खरीदते हैं अदर अदर स्टेट की, क्योंकि मिट्टी चेंज होता है तो वो उपजाऊ ज़्यादा हो जाती है। आगे में नबी नगर NTPC है, तो आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट दोनों का जोड़ने का ये बांध काम करता है। Toda la noche no nos queda mucho tiempo más no quiero perder lo que queda seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor ye dhalai hai aapko shayad lagta hoga mitti hai sab dhalai se roka gaya hai ye upar mein gate band hai kafi lamba hai lagbhag 5 km ke range mein hoga ye bandh आगे में इंद्रपुरी है बंजारी, यहाँ सीमेंट का कारखाना है कल्याणपुर सीमेंट। यहाँ पर ये ढलाई है, ढलाई के नीचे से ये पानी पार होता है, इस तरह से बनाया कि आप समझ सकते हैं, बहुत पुराना है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाइट तक पानी आ जाता है, धरती पानी छोड़ा जाता है। एक नहर इधर पास हुई है और एक नहर वहाँ पर है, आपको दिखाए थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर।
और ऊपर में है, ऊपर भी जाना मना है, गिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाढ़ में काफ़ी ऊंचा तक पानी आ जाता है। हमने पहले बहुत पहले आए थे, 2008 के बाद पहली बार आ रहे इधर। जब मोटर है ये फाटक जो है खुलता है, ऊपर जाना मना है, मैं जाऊंगा भी नहीं। इधर पानी नहीं है फिलहाल, इधर सप्लाई नहीं हो सकता है। मगर ये हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। रोहतास और औरंगाबाद का दोनों का कनेक्टिंग है ये ब्रिज, दो डिस्ट्रिक्ट का। काफ़ी पानी स्टॉक है और ये बांध है, इसमें पानी अभी छोड़ा भी जा रहा है कुछ। काफ़ी गांव में ये सप्लाई होता है, हमारे एरिया में भी जाता है। बाहर बालू भी है, सबसे मोटा बालू इस सोन में निकलता है। ये आपको मध्य प्रदेश से आपको ये सोन जाके गंगा पटना में मिली हुई है, आपको कोइलवर जो है कोइलवर होते हुए अरवल की तरफ से पार होती है सोन। काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं। मैं बरसात के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं इसमें नहाया था 2008 में, 8 या 9 10 ऐसे कुछ है, याद नहीं है हमको। हम लोग अंदर जाके पानी में नहाए थे बहुत पहले, काफ़ी अच्छा लगता था जिसको तैरना आता है। दूसरी बार आ रहे हैं, नहा जाओगे इतना ठंडा में। आगे NTPC नवीनगर का प्लांट है, तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं। आप देख चुके हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और पानी कम है और लोग फोटो खींच जा रहे हैं। आपको सामने में इधर नाव लगी है, वहाँ पर भी कुछ लोग पिक ले रहे हैं और ये मेरे फ्रेंड है चलने के लिए। सकते हैं काफ़ी पानी है, मोबाइल गिरने का भी डर है। यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर लोग आके बैठते हैं। यहाँ से देखिए नवीनगर NTPC दिख रहा है, आगे में एक जगह मैप है, हम आपको मैप दिखाएंगे। हमको याद है बहुत पहले हम आए हुए थे, तो कहाँ से सोन ब्रिज निकलता है, सोन नदी कहाँ से है, मध्य प्रदेश से कहाँ कहाँ पर आपको होती है, आपको आई है। और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं NTPC नवीनगर का ये आपको टावर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको मैप है, बहुत लोग आते हैं मैप नहीं देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैप है, आपको हम दिखाएंगे कहाँ से ये नदी निकली है। यहाँ पर बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो चलिए हम पहुँच गए हैं सोन साधन। यहाँ पर आपको मैप है, मैप लेने हम आ गए हैं। काफ़ी दूर चल के आना पड़ा, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं रहता है, हम देखे थे तो हमको याद था। पूरे बिहार का है आपको टोटल, बिहार शरीफ फतुहा आपको ये कोइलवर आरा ये लगता है, छपरा दानापुर पटना बिहार शरीफ बरही डोबी गया सिरघाटी औरंगाबाद सूर्य मंदिर भगवान मोहन अक्सर बढ़िया।
विक्रमगंज टिहरी ऑन सोन देखिए, ये है टिहरी ऑन सोन विक्रमगंज नासरीगंज और यहीं पे है इंद्रपुरी। आप यहाँ हैं देखिए, वाराणसी है, मुगल सराय, चंदौली रेलवे का मैप है, आपको शायद दिखता ना होगा लेकिन आप कभी आइएगा तो यहाँ पर घूमिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है मैप देखने में, मैप काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे मैप बनाने का भी काफ़ी शौक था। बेतवा बांध, सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल है कि नहीं मेरा फेवरेट, भोपाल, देवास, मैप नहीं देखे तो क्या देखें, इंद्रपुरी अपन आए और आपको मैप नहीं देखें, अंबिकापुर भी मिथिलांचल, चिरमरी, नर्मदा, सागर, वाराणसी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मंदिर पहाड़ सब दर्शाया गया इस पर। बक्सर डुमराव, गंगा नदी का है ये, आपको ये छोटा जो दिखता है गंगा नदी जो आपको कश्मीर से आती है। मुंगेर है, गोमो, फतेहपुर, ये आपको होटल दिया हुआ है, ये पटना है, गोलघर देख लीजिए यहीं पर आप, चिड़ियाघर, गोलघर, वो गांधी जी की थी, पहाड़ है, बहुत मेहनत से बनाने वाला बनाएगा। ये हमारे फ्रेंड लोग मिस कर रहे थे, इन लोग को घर जाने का शौक था काफी, देख रहे हैं कि तो बार बार एक चीज को देखने के लिए नहीं आना पड़ता है, है कि नहीं भाई? अब कभी कोई पूछेगा कि आप वहाँ गए तो आप बोलोगे कि नहीं वहाँ तो नहीं गए थे, आधार से आ गए। आप यहाँ कोचस कर, अगर हम लोग का नासरीगंज भी है, विक्रमगंज, अपना गांव नहीं दिख रहा है इस पर, काफी अच्छा लगा। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ आइए तो नक्शा जरूर देखिए, ये मंदिर के पास नक्शा है, किसी से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं कि वापस हो जाइए और बाद में आपका कोई फ्रेंड पूछे कि आप वहाँ गए थे तो आप बोलो कि नहीं नहीं गए थे। काफी अच्छा लगा मैप देखने में है, आपको बिहार, मध्य प्रदेश, आपको और उत्तर प्रदेश तीनों जगह का यहाँ पर मैप में पूरा दर्शाया गया है, नदी, पहाड़ और रेलवे लाइन है, आपको है सिटी दिया हुआ है, काफी अच्छा लगा। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, बोरिंग लगी कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो आपको फिर रोहतास किला की कभी बनाएंगे। और मेरा नया ब्लॉग है DSN ब्लॉग, यहाँ दोस्तों DSN ब्लॉग नाम से मैं अपना नया चैनल अपने बर्थडे के दिन 9 फरवरी को क्रिएट करूँगा। ये हिरन आई हुई है अमाड़ी में, काफ़ी खूबसूरत है, उसके साथ बारसिंगा भी है।